नमस्कार दोस्तों, कैप्टन कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा, जो कुछ अलग तरीके से बनकर तैयार होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इधर 3 से 4 लाल मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां, आधा टीस्पून जीरा। इसे तवे में अच्छे से भून लेते हैं। अब इन्हें दरदरा कूट लेते हैं। आप इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं। कूटा हुआ मसाला मूली में डाल देंगे। आधा कप चावल का आटा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मंगरेला, 1/2 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे गूंथ लेते हैं। 1/2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। आटा आपको उतना ही डालना है जितना गूंथने में लगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, मूली में खुद का पानी होता है। ये देखिए, मैंने डो बना लिया है। अब बटर पेपर में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और बेलन में भी तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। अब एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसे चकले के ऊपर पतला सा बेलकर मीडियम गरम तवे में डाल देंगे। इसे थोड़ी देर सिकने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद इसे पलटकर इसमें घी लगाकर पलटते पलटते सेक लेंगे। इसे तब तक सेकेंगे जब तक इसमें एक प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। इसे सेकने में 1 से 1.5 मिनट लग जाता है। ये पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारे मूली के स्वादिष्ट पराठे। जब तक आप लोग घर में ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है। मूली से बनाया बहुत ही इजी रेसिपी है। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे तो ये अचार के साथ बहुत पसंद है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।